जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में किस बीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए, क्योंकि यूट्यूब पर देखेंगे आप तो इस कंपनी के ऊपर बहुत कम वीडियो बने और काफ़ी दिनों से तो वीडियो नहीं बने हैं। तो मैंने सोचा चलो इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि इन दिनों देखेंगे तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखिए, छोटी कंपनियों में पैसा ज़्यादा बनता है और बहुत जल्दी बनता है, लेकिन हमें एक ऐसा पेनी स्टॉक चुनना होता है जो उस तरह का रिटर्न निकाल कर दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी उसमें शामिल हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे है एसबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पर देखेंगे अभी इसने 2.69 रुपये के आसपास अपना क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 3.5% के आसपास तेजी के साथ। तो अभी एक दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिनों में 3-3% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में यानी कि पिछले 1 सप्ताह में देखेंगे तो 1 सप्ताह में तकरीबन 9% के आसपास तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है पिछले 5 दिनों में। पिछले 1 मंथ में देख ले तो 1 मंथ में स्टॉक देखेंगे तकरीबन 14% के आसपास गिरा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चढ़ाई बढ़त इस स्टॉक में पिछले 1 सप्ताह में देखने को मिली है, यानी कि अभी अभी इस स्टॉक में तेजी शुरू हुआ है और तेजी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा, तब ये जो 1 मंथ का रिटर्न आप नेगेटिव में देख रहे हैं ये अभी पॉजिटिव में आ जाएगा। पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो इसमें तकरीबन 13% के आसपास स्टॉक आपको नेगेटिव में रिटर्न देते हुए दिखेगा। हालांकि अप्रैल के बाद से देखेंगे स्टॉक चढ़ना शुरू हो गया और अभी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जब हम लोग स्किनर की वेबसाइट पर इसको समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए सबसे पहले स्किनर की वेबसाइट पर, और स्किनर की वेबसाइट पर एसबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के चार्ट के माध्यम से इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। उसके बाद हम लोग इस कंपनी के काम और फंडामेंटल को डिस्कस करते हुए बाकी बातें समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस कंपनी का 1 साल का चार्ट ओपन कर लिया है और 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि निचले स्तरों से स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर बना है डब्लू। जब भी स्टॉक में डब्लू का फॉर्मेशन होता है यानी कि डबल बॉटम का जब फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ के उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आती ही आती है और यहाँ पर भी देखेंगे तो काइंड ऑफ डबल डब्लू बनने जा रहा है। तो अभी स्टॉक यहाँ पर आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा, ये तकरीबन 2.60 रुपये, 2.60 रुपये से लेकर 2.80 रुपये के बीच में। अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पर भी पहले इसने अपना सपोर्ट लिया था तकरीबन फरवरी में, अब यहीं पर फिर अभी इस स्टॉक का प्राइस घूम रहा है। और अभी जैसे मैंने बताया कि अभी ये स्टॉक इसमें जब कंसोलिडेट कर रहा है तो जैसे इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, यहाँ पर देखेंगे डब्लू टाइप का भी फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी डब्लू टाइप का फॉर्मेशन होता है प्राइस उसके बाद बहुत चांसेस होते हैं कि ऊपर निकलने का, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और सबसे पहले इस लेवल के आसपास आएगा जो कि 3.20 रुपये का लेवल है, और इसको फिर ब्रेक करके प्राइस सीधे 3.5 रुपये और 4 रुपये तक आपको जाते हुए दिख सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 3.5 रुपये से लेकर 4 रुपये तक जाने के लिए तैयार है। बस जरूरी है जल्द से जल्द इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलो, यानी कि यदि शॉर्ट टर्म आप जाना चाहते हैं तो इस लेवल तक के लिए यहाँ तक इस कंपनी का शेयर प्राइस जाएगा, यहाँ तक प्रॉफिट बुक करने के लिए इसमें पैसे लगा सकते हैं, लगाए हुए हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब हम लोग एसबीसी इंडस्ट्री लिमिटेड के काम की बात कर लेते हैं और फिर फंडामेंटल देखेंगे। सबसे पहले काम की बात करें तो कंपनी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, यानी सारे सामानों कंपनी रख के स्टोर करती है, दूसरे कंपनियों के लिए एक वेयर हाउस बनाती है जिसमें उनका प्रोडक्ट रहती है, उससे पैसा लेती है। फंडामेंटल की बात करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल के बदौलत ही कंपनी का शेयर प्राइस यदि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 45 करोड़ के आसपास है, यानी 50 करोड़ से भी कम है। और उसके अलावा इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस कंपनी के बुक वैल्यू से कम है, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। इसी का असर है कि कंपनी का जो आरओई और आरओसीई देखेंगे तो माइनस में है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में इसमें कुछ कमा कर नहीं देगी, क्योंकि आरओई जो है माइनस में। और इसके अलावा इस कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो भी कुछ बहुत अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया और इसमें जिस कंपनी की सेल्स की बात करें तो देखेंगे मार्च क्वार्टर में कोई सेल्स ही नहीं हुआ, इसके पिछले क्वार्टर में भी कुछ सेल्स नहीं हुआ था, यानी कि कंपनी की कुछ कमाई नहीं हो रही है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस में, और लॉस धीरे धीरे कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल बुरे हालत में है। इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा लगाना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि चार्ट पर इसके ब्रेकआउट होने के संकेत मिल रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये कहते हैं कि इसमें थोड़े बहुत पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो, रिस्क लेना नहीं चाहते तो पैसे मत ले जाएगा। जिनका पैसा है वो बने रहे, क्योंकि इसमें एक अच्छे खासे ब्रेकआउट होने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत कमाई इस स्टॉक में हो सकती है। तो एसबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप MStockcom में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।